हेमा मालिनी अपने दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। जब बोल्ड किरदार निभाने को लेकर तमाम तरह की बातें होती थी, उस दौर में हेमा मालिनी ने कई ऐसे किरदार निभाए जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। उनकी इन्हीं बोल्ड फिल्मों में से एक है रिहाई। फिल्म में नसरुद्दीन शाह के साथ हेमा मालिनी का रोमांटिक सीन काफी चर्चा में रहा था। इस सीन की शूटिंग के दौरान नसरुद्दीन शाह काफी नर्वस हो गए थे, जिसकी चर्चा अभी भी होती है। आखिर क्या था पूरा मामला, आज की वीडियो इसी मसले पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 80 के दशक में आई हेमा मालिनी की फिल्म रिहाई काफी बोल्ड थी, जिसे अरुणा राजे ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में हेमा मालिनी के साथ नसरुद्दीन शाह और विनोद खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म गांव में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी को बयां करती है, जिनके पति रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। यह फिल्म महिला कामुकता और समाज के दोहरे मानदंडों के बारे में बात करती है। फिल्म उन विचारों को चुनौती देती है जो मानते हैं कि महिलाओं को पवित्र रहना चाहिए, जबकि पुरुषों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हेमा मालिनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने यह फिल्म करने के लिए हामी क्यों भरी, तो उन्होंने कहा वह एक महिला निर्देशक के साथ काम करना चाहती थी। हेमा मालिनी ने कहा, अरुणा राजे ने इसे निर्देशित किया था, मुझे फिल्म की कहानी भी पसंद आई, मैं गांव की महिला जैसा किरदार निभाना चाहती थी, मुझे यह बहुत पसंद आई, कहानी बहुत प्यारी और दिलचस्प थी लेकिन काफी बोल्ड थी, हर तरह का रोल करना चाहिए। वह बताती हैं, मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर आपको हर तरह का रोल करने की चुनौती लेनी चाहिए। फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाई गई थी। जब होस्ट ने हेमा मालिनी से नसरुद्दीन शाह के साथ उनके एक लव सीन का जिक्र किया और बताया कि कैसे एक्टर उनके करीब आने पर घबरा गए थे, तो हेमा मालिनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, इतना डर लगे तो। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि वह अपनी माँ के कहने पर फिल्म बागवान करने के लिए राजी हुई थी। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब मैं रवि चोपड़ा से फिल्म की कहानी सुन रही थी, माँ मेरे पास बैठी थी। जब वे चले गए तो मैंने कहा, वे मुझे चार बड़े लड़कों की माँ का रोल निभाने के लिए कह रहे हैं, मैं सब कैसे करूंगी। माँ ने कहा, नहीं तुम्हें ये फिल्म जरूर करनी चाहिए, कहानी अच्छी है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी 75 साल की हो गई हैं। वे भले ही राजनीति में ज्यादा सक्रिय हों, लेकिन उन्होंने सिनेमा से खुद को दूर नहीं किया है। उस साल 2020 में आई फिल्म शिमला मिर्च में नजर आई थी, जिसमें राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साल 2011 में उन्होंने बेटी ईशा देओल के लिए फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्देशन किया था। आपको हेमा मालिनी कैसी लगती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।